नमस्कार, तेज खबर 24 में वक्त है खबरों का। जबलपुर में धान और गेहूं उपार्जन में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे जिला खाद्य अधिकारी पर आखिरकार बड़ी कार्यवाही हुई है। जबलपुर कलेक्टर भरत यादव की रिपोर्ट पर संभाग के कमिश्नर महेश चंद चौधरी ने जबलपुर जिले के खाद्य अधिकारी MH खान को सस्पेंड कर दिया है। जबलपुर संभाग के कमिश्नर महेश चंद चौधरी ने जिला खाद्य अधिकारी MH खान पर आरोपों की गंभीरता और फौरी जांच में आरोप सही पाए जाने पर उनके सस्पेंशन की ये कार्यवाही की है। निलंबन अवधि में MH खान को नरसिंहपुर मुख्यालय में अटैच रहने के आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल बीते दिनों जबलपुर में धान और गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी में लगाई गई कुछ सहकारी समितियों पर किसानों से अनाज की तुलाई के भी पैसे वसूलने और खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिसकी शिकायत में किसानों से पैसे की मांग के कुछ ऑडियो भी वायरल हुए थे। मामले में जबलपुर के जिला खाद्य अधिकारी की उदासीनता और मिलीभगत के आरोप भी लगे थे, जिसकी विभागीय जाँच शुरू कर दी गई थी। फिलहाल खान के खिलाफ विभागीय जांच जारी रहेगी। जबलपुर कलेक्टर की रिपोर्ट पर संभागायुक्त ने सख्त रुख अपनाया है और जिला खाद्य अधिकारी MH खान को सस्पेंड कर दिया है। जबलपुर जिले में MH खान फूड कंट्रोलर के पद पर पदस्थ थे। इनके विरुद्ध में पिछले समय उपार्जन को लेकर के और PDS को लेकर के जो शिकायतें हैं वो गंभीर रूप से प्राप्त हुई थी। कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें ये पाया गया है कि जो उपार्जन है उसमें किसानों से तौल के पैसे खरीदी केंद्रों पर लिए गए हैं, किसानों से पैसा भी लिया गया है। इस इन गंभीर आधारों पर और गंभीर अनियमितता को देखते हुए इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इनका जो हेडक्वार्टर है उसको नरसिंहपुर जिले में इनका हेडक्वार्टर रखा गया है। आगे जो विभागीय कार्रवाई है, जिस तरह से प्रोसीजरली डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में होता है, वो उस तरह से केस है वो आगे जो है चलेगा।